नहीं एक्चुअली क्या है, ये मेरी फिल्म है गैंग वार पे, और जो कि हमारे शहर में जो सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो रियलिस्टिक मैंने इसको उतारा है। तो इस फिल्म में गैंग वार दिखाया है, जब दो गुट में लड़ाइयाँ है और बच्चे का किडनैपिंग, जो सारी चीज़ें चल रही हैं हम लोग ने वैसे ही इसको प्रेजेंट किया। कौन से गुट को दिखाने की कोशिश की गई इस फिल्म में? इसमें सब काल्पनिक है, कोई भी इसमें किसी का वैसा नहीं है कि हम करें, सब काल्पनिक। नहीं आपने कहा कि कानपुर में जो हो रहा है दिखाने का, अपहरण होते हैं, फिरौतियाँ, ये सब यही बस में है, लेकिन हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। कानपुर को कितने हद तक इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश की गई और किस तरह से? कानपुर को 99% पूरा दिखाया गया है, पूरी कानपुर पे ही। शहर की किन चीज़ों को आपने फोकस किया जो कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं से अलग पहचान? सबसे बड़ी चीज़ जो आज मेरा गाना है चमन की बिरयानी, जो पूरी दुनिया में एक्चुअली मैं हर जगह खाना खाया, लेकिन जो चमनगंज का जो बिरयानी है वो मैंने कहीं नहीं मिली। तो सबसे हाँ पूरी दुनिया में एक्चुअली मैं काफ़ी जगह गया हूँ, तो वैसा खाना मुझे यहाँ का जैसा खाना कहीं नहीं मिला। तो इसलिए मैंने हम लोग ने एक बनाया कि कुछ ऐसा कुछ सॉन्ग करें जिससे नाम रोशन आलम भाई। ये बताइए जो आपने कानपुर पे शोले फिल्म बनाई, क्या खासियत है और लमसम कितने बजट की ये मूवी होगी? खासियत तो इस बात की है, ये फिल्म लोकेशन पर बनी, पूरे कानपुर में हर जगहों पर लिया गया, खास खास जगह जैसे लालगिरी हुआ, बागे चौरा हुआ, मजदूर हुआ, फूलबाग हुआ, और गंगा बैराज हुआ, दूसरा जगह पर हुआ, और भी जगह जगह कई अन्य जगहों पर शूटिंग हुई है। और बजट जो है पता नहीं सकती, लमसम 50 से 60। यहाँ पे जो इस फिल्म में जो काम किया है वो कैरेक्टर जो है कानपुर के हैं या कहीं बाहर से भी हैं? नहीं कानपुर के भी हैं, 80% कानपुर के हैं, 20% मुंबई के हैं, ये मुंबई के भी विश्वास बना। इस स्टोरी से शहर के प्रशासन को या शहर की जनता को किसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं और आगे के लिए देख सकते हैं? इस स्टोरी से एक संदेश अच्छा जाता है कि जो लोग जिसका घर में बच्चा गायब हुआ या किडनैप हुआ, किसी के घर के लोग व्यापारी लोग किडनैप हो जाते हैं, तो पुलिस कुछ नहीं करती है। तो पुलिस को ये दिखाया गया कि बहुत देर पहुँचती है और लोगों को ये होता है कि अब क्या होगा आगे, मेरे लोग मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, किस तरह से वसूली हो रही, किस तरह से क्या हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है।